मेरा नाम अमय देसाई है और मैं मुंबई से हूँ। शख्स, आज इस देश में 10 लाख के आसपास लोग पार्किंसंस डिसीज से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए उनका मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता। पार्किंसंस डिसीज के 90% पेशेंट्स आर ओवर 60 इयर्स ऑफ एज। एक पार्किंसंस पेशेंट को चलते समय ऐसा लगता है जैसे उनके पैर है ना जमीन पे से चिपक गए, राइट? सो वो उठा नहीं पाते। आप इमेजिन कीजिए अगर चलते चलते ऐसा हो जाए तो यू विल जस्ट काइंड ऑफ ट्रिप, राइट? तो वो ऐसे आगे गिर जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ गेट कहते हैं इसे। फ्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कहीं भी हो सकती है। घर में चलते वक्त, टर्न लेते वक्त, फर्नीचर के बीच ऐसे नेविगेट करते वक्त, या इवन रोड पर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप वहाँ भी गिर सकते हैं, राइट? और इससे सीरियस इंजरीज हो सकती है, शोल्डर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, डेथ भी हो सकती है। इस फ्रीजिंग की वजह से वो बहुत दुर्बलता महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कुछ कुछ लोग तो चलना ही बंद कर देते हैं। तो उनका ये खोया हुआ जो आत्मविश्वास है उसको वापस लाने के लिए हमने बनाया वॉक। वॉक इंडिया का पहला वेयरेबल मोबिलिटी एड है जो पार्किंसंस में फ्रीजिंग ऑफ गेट में हेल्प करता है। वॉक पहनने से जो चलने का डर था, जो गिरने का डर था, वो एकदम कम हो जाता है। सो ये एक ऐसा वेयरेबल बैंड है, इसे ऐसे पैर पर पहना जाता है, दोनों पैर पे इसको पहनते हैं एंड इससे स्टिम्युलेशन जो होता है उससे चलने में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन इट? नो, इट यूजेस हैप्टिक्स, अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बैटरी पावर्ड होता है? यस, बैटरी पावर्ड। अच्छा, ठीक। अब हमने वॉक को 150 से ज्यादा लोगों पर पायलट किया है एंड वी हैव हैड मोर देन 80% एफिशिएंसी। नितिन शिरोडकर जी करके है, उन्हें पार्किंसंस है, वो हफ्ते में 5-6 बार तो गिर ही जाते हैं। It has been 9 years since I have been diagnosed for Parkinson's. See, the moment I walk straight, there is no problem at all. The moment there is an obstacle in front of my root, then my leg freezes and then I try to fall down. जमीन पे चिपक जाता है, तो मेरे को difficulty होती है पैर उठाने की, डर लगता है जो आप मुड़ते हैं तब। बट ये डिवाइस डालने के बाद उनका जो टर्निंग है ना वो इजी हो जा रहा है। बेल्ट स्टिमुलेट्स द माइंड, क्या कौन सा लेग उठाना चाहिए, उसे आसानी हो जाती है, गिरने का डर कम होगा। उनकी वॉकिंग स्टिक भी छूट गई? यस। मोबिलिटी है ना, वो हर एक इंसान की एक बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी है और मैं इसीलिए वॉक को हर बुजुर्ग के हाथ में पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए मेरी आस्क है 50 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। मैं, आपने इसमें गए क्यों थे? मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर्स है, सो आई हैव बीन इन एंड अराउंड दिस फील्ड, राइट? तो उसके बाद जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अ लॉट ऑफ दीज बायोमेडिकल प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो मैंने पिकअप किए। कहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे? बिट्स पिलानी, गोवा में। ओके। प्रोस्थेटिक्स में इशू क्या होता है, आप फील नहीं कर पाते, right? जैसे नॉर्मल हाथ फील होता है तो लोग निकाल के रख देते, दे प्रेफर द फीलिंग ऑफ द स्टम्प क्योंकि फीडबैक आता है। सो उस फीडबैक को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए हम जब काम कर रहे थे, वी रियलाइज दैट प्रिंसिपल इज मच लार्जर। तो इसीलिए फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है एंड वी फोकस्ड ऑन दिस। मैं आया एज अ पेशेंट आपके पास, तो क्या होता है, थोड़ा प्रोसीजर समझाइए। हम आपसे एक सीरीज ऑफ टेस्ट करवाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड मेज होगी, नेविगेट करना होगा, काउंटिंग करनी होगी, उसके साथ चलना होगा। ये करते वक्त आप कहाँ कहाँ फ्रीज होते हैं वो हम देखते हैं, उसके हिसाब से हम डिवाइस को प्रोग्राम करते हैं। इंटरनली देर इज एन AI, तो वो AI आप जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से स्टिम्युलेशन पैरामीटर थोड़ी थोड़ी करके चेंज करते हैं। जो इसमें चिप में डाला हुआ है वो सॉफ्टवेयर आपने लिखा? मैंने लिखा। तो ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है ग्लोबली? सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, इसको जो न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं दैट एग्जिस्ट्स। और पेटेंट के लिए अप्लाई किया है? यस, वी आर अबाउट टू रिसीव देम। ब्रो, इट लुक्स लाइक अ बेसिक बैंड। यस। और आप कह रहे हो कि इट इज एसेंशियली स्टिम्युलेशन विद वाइब्रेशन। यस। तो ऐसा कुछ तो नहीं तोड़ लिया आपने कि और कोई नहीं कर सकता? He is right, because वो हैंड मसाजर्स भी तो ऐसे होते हैं जो लेके यहाँ यहाँ आप घुमा सकते हैं, उसका भी तो सेम लॉजिक है ना? वेरी गुड पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ व्हाई दिस इज डिफरेंट। पहली बात तो नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशन विल स्टिम्युलेट अ मसल द सेम वे। सो नहीं तो अगर पार्किंसंस पेशेंट ट्रेन में बैठ जाए तो वो ठीक ही हो जाना चाहिए। आ, ये रिस्पांस सोच के आया था। ये लाइन बोलनी थी। बट दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ ये टारगेटेड है मसल डिवाइस और ट्रेन इज नॉट टारगेटेड, तो आपका कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। सो द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। सेकेंडली फॉर ईच पर्सन, राइट,
they have a different way of walking, they have a different level of control over their muscles. So you have to be very careful about calibrating this to each. वो ठीक है यार, वो तो लोगों के समझा हुआ है, इतने टाइम से लोग फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, they know how to stimulate muscles. ये कोई नई साइंस नहीं है. अगर आप स्पाइनल स्टिम्युलेशन करना चाहते हैं तो नई साइंस नहीं, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग द स्पाइन. आप सिर्फ यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं वाइब्रेशन जो स्पाइन को मैसेज भेज रही है, बिकॉज यस नॉट क्योंकि आपने स्पाइन को कनेक्ट किया, वो बॉडी अपने आप कर रही है. But it's an application of the vibration, na? So it is different from what anybody else has done. आपके advisors कौन है? My final semester was spent at University of Leeds. अच्छा ठीक है. तो वहाँ मेरे जो supervisor थे, he is very good at all everything related to spinal neurophysiology. उसके अलावा कोई है as an expert advisor? Yes. So we have a panel of neurologists. कितने neurologists हैं? About 5 neurologists who are advising us on this. और ये अभी proof of concept है या बेचते हो? नहीं, ये रेडी है, बट हमारे कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं. हमने जस्ट फंडिंग वगैरह कर लिए. फंडिंग कर लिया? बेसिक फंडिंग, एक ग्रांट मिल गया हमें, जिसके वजह से हम हमारा रेगुलेटरी स्टेप्स सारा कंप्लीट कर सकते हैं. प्राइस क्या है इसका और यूजफुल लाइफ? सो यूजफुल लाइफ इज बिटवीन 2 and 5 ईयर्स एंड इसका प्राइस 36,000. 36,000 इंक्लूडिंग द सर्विस? इंक्लूडिंग द सर्विसेज. बट आप कह रहे हो अगर ये आ गया तो वर्ल्ड वाइड आप हो गए जिसने ये इन्वेंट किया है. Yes. मैं आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. I don't want to beat a dead horse. I'm finding it very hard to believe ये vibration इस तरह से आपने इसको personalize कर दिया कि और कोई कर नहीं पाया. Yeah. It's a big claim. और 80% वो कोई इफेक्ट होता है ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड इन मेडिसिन? प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो. राइट. कोई भी चीज आप दे दीजिए 100 लोगों को, 30-40-50% तो अपने आप बोलेंगे ठीक हो गए. राइट. तो 80% 150 पीपल बहुत डाउटफुल क्लेम्स लग रहे हैं. मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ, हमने सिस्टमैटिकली किया हुआ है. राइट. आप चलते वक्त नॉर्मल सोचते नहीं है. राइट. आप चलते, दैट्स एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी बिकॉज इट्स मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड उसको हैंडल करता है. दिक्कत कब आती है? जब ऑब्स्टेकल या कुछ आ जाता है या गो नो गो सिचुएशन आ जाती है, तब ब्रेन थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है. एंड ये सारा जहाँ होता है उसी एरिया में पार्किंसन में मेजर डैमेज होता है, उसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. लोगों ने बहुत सारे अप्रोचेज लिए हैं जो फार्मास्यूटिकली या यू नो एक्सटर्नल जैसे DBS के थ्रू वो उस एरिया को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, बट लोगों ने ये नहीं देखा है कि उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड आता है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. तो जब हमने स्पाइनल स्टिम्युलेशन ट्राई किया तब वो चला, एंड दैट वॉज वेन हमें समझ आया कि ये फील्ड में माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है. आप कह रहे हो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है. चलो इसको दूसरी तरीके से पूछते हैं, साफ हो जाएगा. इज देयर एनी मोबिलिटी डिवाइस इन द वर्ल्ड फॉर पार्किंसंस? नो सर. देयर इज नो. दैट इज योर क्लेम? दैट्स 100%. किसने ग्रांट दिया है? मे बी जिसने ग्रांट दिया है उससे शायद ट्रस्ट बिल्ड हो. देयर इज अ एजेंसी कॉल्ड BIRAC व्हिच इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कितना दिया है अब तक? हमने टोटल 1.67 करोड़ थ्रू ग्रांट्स दिया हुआ है. 1.6 करोड़ आपने ग्रांट्स कर लिए? वाओ, दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव. आपकी कंपनी का नाम एंड प्रोडक्ट का नाम अलग अलग है, तो आपका प्लान क्या है? आप इस कंपनी में और डिवाइसेस बनाओगे कि ये ही आपका मेन डिवाइस होगा? नहीं नहीं, और करेंगे फॉर पार्किंसंस और अदर थिंग्स. ये एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है. राइट. हमने ये देखा है कि इट हैज पोटेंशियल इन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन एंड इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहेबिलिटेशन. लेकिन गिवन योर प्राइस पॉइंट वो मार्केट काफी छोटा हो जाता है. राइट. सो देयर आर टू थिंग्स यहाँ पे विच हेल्प. एक तो पार्किंसंस एंड सर्टेन अदर डिसेबिलिटीज नेशनल डिसेबिलिटीज एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया, सो देयर इज सपोर्ट फ्रॉम दैट सेक्टर. सेकंड चीज है कि वी आर वर्किंग ऑन अ क्लिनिक बेस्ड मॉडल. राइट. एवरी पेशेंट मे नॉट नीड इट एवरी टाइम. इफ दे कांट अफोर्ड दे कैन डू द सेशंस इन द क्लिनिक एंड वो उसके लिए फिर कुछ यू नो पर यूजेज चार्जिंग ऐसे कर सकते हैं. तो हमें ये अगर हिट हो गया प्रोडक्ट तो आप तो बहुत अमीर आदमी बन जाओगे. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स योर पॉइंट? वो कह रहा है आप उसकी कंपनी में पैसे डालोगे. तो आपको तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. ये इटसेल्फ कैन टेक यू लाइक प्लेसेस. राइट. मैं अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा. मैं कह रहा हूँ कि जैसे कह रहे थे आप नई टेक्नोलॉजीज में डालोगे, आपको नई टेक्नोलॉजीज में भी डालना जरूरी है या आप इस पे फोकस करके इसी को फोड़ सकते हो खाली अभी के लिए? न्यूरोलॉजिकली डोमेन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं
जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं एंड बियॉन्ड दिस भी. अच्छा मुझे अभी ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है कि दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर मल्टीपल रीजंस. ओनली 5 न्यूरोलॉजिस्ट, ओनली 150 पेशेंट्स. तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है लेकिन अभी मैं आउट इसलिए हूँ कि आई वुड लाइक टू सी डेटा. डज इट हेल्प इफ आई टेल यू दैट दे आर फ्रॉम निमहांस, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोलॉजी इन इंडिया. But are they practicing neurologists? They are practicing neurologists. They are from Fortis. They are from NIMHANS. These are two of the top institutes in neurology in India. If any research goes through, वो उनके ही through जाता है. India का पूरा India का scientific board भी तो 10 ही लोग हैं. चलो anyway, नमिता तो out है already. हमें ये 36,000 की जो device है बनती कितने में आपकी? अराउंड 10,000 में बनता है. 10,000. और आपने कुछ सोचा है स्ट्रैटेजी अगले 3 साल की क्या है? इंडिया में रफली 24 टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है जहाँ पे द हेल्थ केयर नेटवर्क इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ऐसी डिवाइस को सपोर्ट कर सके. उसमें मेजर चेन हॉस्पिटल्स जो है या चेन फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है उनको हम डायरेक्टली सेल करें. उनको सेल करोगे मतलब दे विल प्रोवाइड इट एज अ सर्विस जो आप सेकंड मॉडल समझा रहे हैं. दे विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. दे विल स्टॉक. अच्छा दे विल एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. कितनी डिवाइस बेच पाओगे आप? तो हम पहले साल में क्लोज टू 700 डिवाइसेस बेच सकते हैं. इतना छोटा नंबर क्यों? 700 आप बोल रहे थे 10,00,000 पेशेंट हैं, केवल 700 डिवाइस क्यों बिकनी चाहिए? महंगा है ना? बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है. इफ दिस रियली टेक्स ऑफ तो हमारा टारगेट मार्केट है 60,000. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. आई वुड गिव 50,00,000 फॉर 5% ऑफ इक्विटी. आई एम पुटिंग अ 10 crore वैल्यूएशन. यहाँ पे प्री रेवेन्यू कंपनीज में बहुत रेयरली कोई इन्वेस्ट करता है. मैंने तो आई डोंट थिंक अभी तक 3 सीजन में किया है. बट आई एम विलिंग टू मैच अमित की जो ऑफर है 50,00,000 5%. थैंक यू फॉर बोथ योर ऑफर. ये टोटका बैठ ही गया है वैल्यूएशन का. व्हाट इज टोटका? वर्ड ऑफ द सीजन. टेम्पलेट. तो उसमें ज्यादा मस्ती नहीं करते. हाँ गलत हो जाएगा बेचारे के लिए ना. अच्छा आदमी. आप दोनों कंबाइन हो रहे हो. 50,00,000 हम दे देते हैं आपको. ओहो हो. यू नो वेरिएबल तो आपको पता ही है. इन सम वे दिस इज अ वेरिएबल. तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ देयर. कैटेगरी क्रिएशन तो करना आता ही है मुझे. तो 50,00,000 फॉर वही 5%. अमन एंड आई विल कम टुगेदर. अमन कुछ बोलना चाहो? हाँ मैं बोलना चाहता हूँ. कि यार हमें तो सच्चे लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं और तेरे अंदर वो जो सच्चाई है ना वो सॉलिड है. मैं अपनी ऑफर रिवाइज करती हूँ टू 4%. चलो मैच किया. हम ना चाहते नहीं है विनीता को जीत दे. बट लास्ट यार इसको अभी आप समझ लो. सोचना क्या है. मैं भी अपना ऑफर रिवाइज कर रहा हूँ 3.5%. अयो 3.5%. Okay, 3.5%. अब आप जाइए और सोच के आता हूँ. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. क्या तुम लोग 3.5 तक पहुंच गए? देखो बिंडी बाजार कर देता है. मैं तो 4 तक ही लाई. हाँ तो फिर तुम लोग कहाँ तक जाओगे? बताओ बताओ मुझे अपनी इनसाइड स्ट्रेटजी. बोलिए अमाय जी आप किसको चुनेंगे? अमाय, अनुपम, अमन. It has a nice ring to it. Oh yes. Amit matches better, Amit buddy. Amit also, yaar. Pehli baat to, I want to thank you all for the faith that you're showing. Kuch ho na ho, I know that I'm going to be able to take this fort. Right? Now that being said, right? Coming to the point. Right. Mera plan jo hai, we are working with a few pharma companies jo ise distributorship mein le sakti. Oh. Right? So sales front pe, I am more confident than average. Theek hai? इफेक्टिवनेस फ्रंट पे आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन एवरेज. एंड जो मुझे नेक्स्ट रेस करने की ज़रूरत होगी उसके लिए आई हैव अ बैंड फॉर वैल्यूएशन जिससे नीचे अगर मैं जाऊँ तो आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अचीव द काइंड ऑफ फंड रेज आई वॉन्ट. मेरा मिनिमम जो वैल्यूएशन है वो 21 crore होना चाहिए. सो मेरा एक काउंटर ऑफर है 2.3% फॉर 50,00,000. डील डन. चल हम करते हैं. आई एग्री. चल हम करते हैं. अभी आप चॉइस कीजिए अमित और अनुपम एंड अमन. आई वुड गो विद डाइवर्सिटी हियर.
So sorry, Amit ji, but no Anupam, worries. All right. All the best. Good job. Good decisions. Good job. सफाई और सच्चाई के साथ बड़े सपने भी देखने हैं ना। और पता है जैसे हमने सच्चे लोग देख लिए, तूने भी सच्चे लोग देख लिए। अमन कहाँ से देख, लग रहा है तेरे को देख के। Good job. चल cool entrepreneur.